नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब, बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 11 से 14 मई तक मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी व निचले भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। आज भी मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मीटर रीडिंग में गड़बड़ी कर थमा दिए पानी के मनमाने बिल, उपभोक्ता परेशान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कई पेयजल उपभोक्ताओं को कंपनी ने फिर पानी के भारी भरकम बिल थमा दिए हैं। मीटर रीडिंग में की जा रही गड़बड़ी के चलते उपभोक्ताओं को 4 गुना तक ज़्यादा बिल आए हैं। वहीं शहरवासी परेशान हैं कि हर महीने पेयजल खपत लगभग एक बराबर होने के बावजूद अचानक बिल 4 गुना ज़्यादा कैसे आ गए हैं। इन बिलों को ठीक करवाने के लिए अब उपभोक्ता कंपनी के चक्कर काट रहे हैं। शहर में कई उपभोक्ताओं के मीटर से फर्जी रीडिंग लेने का यह खेल चल रहा है। पन्नू की नई धमकी, कहा मोहाली हमले से सब क्ले सीएम जयराम ठाकुर। अलगावादी समूह सिख फॉर जस्टिस SFJ के प्रमुख गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए फिर धमकी भरा ऑडियो संदेश जारी किया है। इसमें पन्नू चेतावनी देते हुए कह रहा है कि मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर में किए गए रॉकेट हमले से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सबकले। उसने कहा कि यह हमला शिमला मुख्यालय से भी हो सकता था। पन्नू ने सिख समुदाय को न भड़कने की सीएम को सलाह दी है। गौर हो कि पन्नू ने हिमाचल प्रदेश में 6 जून को खालिस्तान जनमत संग्रह मतदान की घोषणा कर रखी है। सरकार को इसमें बाधा न पहुँचाने के लिए भी चेताया गया है। ग्रेट हिमालयन ओपन मैराथन चंबा के शेर सिंह और कांगड़ा की कनीजो ने जीता खिताब। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में खेल विभाग की ओर से करवाई गई ग्रेट हिमालयन ओपन मैराथन में चंबा के शेर सिंह ने पुरुष वर्ग की 21 किलोमीटर मैराथन का खिताब अपने नाम किया है। उन्हें 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। मंडी के रमेश कुमार ने दूसरा, बिलासपुर के अनिश चंदेल ने तीसरा स्थान पर रहे हैं। इन्हें 25,000 और 20,000 इनाम मिला है। महिला वर्ग की 10 किलोमीटर दौड़ को कांगड़ा की कनीजों ने जीता है। इन्हें 21,000 पुरस्कार मिला है। सिरमौर की निकिता शर्मा दूसरे, मंडी की तमन्ना तीसरे स्थान पर रही हैं। इन्हें क्रमशः 13,000 और 10,000 इनाम दिया गया। बॉयज अंडर 20 की 8 किलोमीटर दौड़ में मंडी के रोहित ने पहला, ऊना के अभिषेक दूसरे, मंडी के राहुल तीसरे स्थान पर रहे हैं। हिमाचल में की जा रही रैलियों का हिसाब दे आम आदमी पार्टी, प्रतिभा सिंह ने फंडिंग पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने प्रदेश में आम आदमी पार्टी को हो रही फंडिंग पर सवाल उठा दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है, उन्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए। हाल ही में प्रदेश में 2 बड़ी रैलियां आम आदमी पार्टी की हो चुकी हैं। इसमें बड़ी संख्या में पैसे खर्च किए गए हैं। वहीं प्रदेश सरकार को भी इस मामले में जांच के आदेश देने चाहिए। प्रतिभा सिंह ने मीडिया को बताया कि आपकी रैलियों में मददगार के रूप में पन्नू बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सांसद प्रतिभा सिंह ने गुरुपंतवंत सिंह पन्नू को गिरफ्तार करने की बात कही है। उन्होंने खालिस्तान समर्थक गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की ऑडियो टेप में प्रदेश को दी गई धमकी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत इस संबंध में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि विदेश में बैठा अलगावादी देश और प्रदेश को खुली चुनौती दे रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हिमाचल में निजी स्कूल बस का एक्सीडेंट, नशे में धुत चालक टला हादसा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर उपमंडल में नशे में चूर चालक की वजह से एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। शराब के नशे में निजी स्कूल बस को चलाने वाले चालक का पुलिस ने चालान काटा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार विपिन कुमार निवासी गुम्मा निजी स्कूल के बच्चों को लेकर जोगिंदर नगर बाजार में पहुंचा। इस दौरान बस की अन्य वाहन से इसकी टक्कर हो गई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में बच्चों को कोई चोट नहीं आई है। मामला पुलिस में पहुंचा तो चालक नशे में पाया गया। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा में शक के दायरे में आने वाले लोगों से सिरमौर पुलिस व CID ने तेज की पूछताछ।
पुलिस भर्ती के लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में सिरमौर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सिरमौर पुलिस सब स्टेट सीआईडी के साथ मिलकर शक के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों व अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं आज जिला सिरमौर स्टेट सीआईडी की टीम तथा नाहन पुलिस ने शक के दायरे में आए कुछ लोगों तथा परीक्षा में 70 से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सिरमौर पुलिस लिखित परीक्षा के जो तार कांगड़ा मंडी व ऊना के बाद सिरमौर से जुड़े थे उसमें बड़ा खुलासा कर सकती है। विधायक विशाल नेहरिया का बयान, धर्मशाला में होगी भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक। भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 12 से 15 मई तक धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने समाचार एजेंसी ANI को दी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भाजपा का राष्ट्रीय और हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व शामिल होगा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। NIT हमीरपुर स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की डेटशीट जारी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही हैं। यह परीक्षाएं 24 मई तक चलेंगी। संस्थान प्रबंधन की ओर से परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीन अकादमिक ने परीक्षाओं की डेटशीट जारी करने के साथ निरीक्षकों का ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान, जुलाई से 125 यूनिट बिजली खर्च करने वालों का आएगा जीरो बिल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वाली हलके के कोटला में जनसभा को संबोधित किया। CM ने कहा वो 400 करोड़ खर्च करते थे, अब 1300 रुपये पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। 60 यूनिट बिजली खर्चने पर बिल जीरो आया और जुलाई से 125 यूनिट बिजली खर्च करने वालों का बिल जीरो आएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आधा किराया माफ किया गया है। दूसरी ओर बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार के 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस 4.5 साल के कार्यकाल में सभी की शुभकामनाएं व सहयोग मिला, इसके लिए सभी का आभार है। कहने के लिए 4.5 वर्ष का कार्यकाल गिनते हैं, लेकिन 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसे दौर से गुजरा है जब किसी से मिलने की मनाही, गले मिलने, हाथ मिलाने की मनाही, मुंह पर मास्क लगाकर चलना पड़ता था। हिमाचल में तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध, सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही बदले जाएंगे अफसर कर्मचारी, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही अफसरों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। 22 मार्च 2022 को कार्मिक विभाग ने जनजाति और दुर्गम क्षेत्रों में तबादलों के लिए रोक दी थी। वहीं आज कार्मिक विभाग ने दोबारा सभी तरह के तबादलों पर रोक लगा दी है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना संकट के चलते जुलाई 2020 से सरकार ने तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। मार्च 2022 में हालात सामान्य होते ही सरकार ने शर्तों के आधार पर तबादलों पर लगी रोक हटाई थी। इस दौरान कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए तबादले हो सकेंगे। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।